अगर औरत अपने पसंदीदा कपड़े पहनने के लिए पूरा दिन अपना पेट खींच के रख सकती है, तो सोचो वो अपने पसंदीदा इंसान के लिए किस हद तक जा सकती होगी। इसी तरह सारी हदें पार करने के बाद अपने 108वें जन्म में माँ पार्वती को शिव जी मिले, और इसी बात की खुशी में शादीशुदा औरतें तीज मनाती। लेकिन रीमा आंटी के घर क्यों? वो मुझे फिल्म लाइन का काम छोड़ने के लिए बोलती रहती। अरे बेटा वो तो मजाक करती है, पहले कुछ काम पकड़ो तो सही। भाई वाह, क्या चमक रही हैं आप दोनों सास बहू, और शैली तो लगता है जैसे रिंग लाइट साथ लेके आई है। अरे नहीं नहीं, वो तो आपके चेहरे की चमक है जो मेरे चेहरे पे रिफ्लेक्ट हो रही है। नहीं नहीं, पहले आपके चेहरे की चमक मेरे चेहरे पे आई, फिर मेरे चेहरे की बस चमक। बस अब शोर मत मचाओ, तो अब इतनी अच्छी साड़ी पहनी है तो कोई भी खूबसूरत लगेगा। है चलो आइए ना, प्लीज आइए। लो बेटा हमको दो तो। पंडित जी कहाँ रह गए? मैं बुला के जा। वाह इतनी सुंदर साड़ी, लगता है माँ की सारी कृपा शकुंतला जी ही ले जाएंगी। ऐसी साड़ी तो रीमा ने कभी पहनी भी नहीं है। अरे रीमा तो पागल है। भी जी देख रही हो? अब समझ में आया इसके मम्मी पापा दोनों का है कमाते हैं। मम्मी जी प्लेट की बात कर रही हूँ, हमारी प्लेट है। सारी प्लेट्स के एक एक सेट है, लेकिन वहाँ पे एक अकेला प्लेट। क्यों, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो बहू? इतना गणित तुम अपने किचन में क्यों नहीं लगाती हो? जी हमारी प्लेट है, हमें मांगनी चाहिए वापस। बहू तीज में मांग भरी जाती है, किसी से चीज़ें मांगी नहीं जाती हैं। तुम्हारी अपनी सास कलेसी नहीं है तो किसी और की सास के साथ जाके भिड़ोगी? और एक प्लेट ही तो है। एक प्लेट? एक प्लेट मम्मी जी, इस एक प्लेट की वजह से हमारा पूरा डिनर सेट खराब हो गया है। हम घर में लोग चार हैं और ऐसी प्लेटें सिर्फ तीन। बेचारे अनीश को अलग प्लेट में खाना पड़ता है। वो कुछ कहता नहीं है लेकिन दिखता है, उसके आंखों में दर्द दिखता है मुझे। रीमा आंटी का दिया हुआ धोखा है ये एक प्लेट मम्मी जी। धोखे देंगे? हाँ बहुत सुंदर प्लेट है ना बहू, कितनी प्यारी प्लेट है। हाँ धोखे, बहुत प्यारा प्लेट। थैंक यू थैंक यू। कहाँ से लिया आपने? वो अवनी के ऑफिस में दिवाली पे बोनस में मिला था। एक प्लेट? एक प्लेट क्यों पगली, पूरा का पूरा सेट है। पूरा का पूरा सेट है? कहाँ है ये सेट, मुझे देखना है। सेट बेटा ऊपर रख दिए होंगे, हम उतारेंगे थोड़ी। अरे ऊपर होती भी बहुत ऊंची है। हाँ। अब उतारेंगे थोड़ी। आंटी पिछले महीने ना मम्मी ने आपको लिट्टी चौका दिया था, याद है? ओ, हाँ वो लिट्टी ना थोड़ी कच्ची थी। वो ऐसे ही प्लेट में दिया था, सेम। अच्छा सेम होगी तो भी लौटा दी होगी हमने। लौटा दी थी? पक्का लौटा दी थी? लौटा दी थी आपने? लौटा दी थी? हाँ लौटा दी थी। अरे पता है भजन शुरू हो गए हैं, चलो ढोलक पे चम्मच मारना है ना। चलो मिनट, आपको क्या लगता है कि हम इतने चिंदी है कि आपकी एक प्लेट रख ली है? नहीं रख नहीं लिए, लौटाना भूल गए। बहुत अच्छी लग गई ना आपको एक प्लेट। अपनी को होली पर भी सेम ही सेट मिलेगा, वो पूरे का पूरा रख लेना। खुश 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 खुश। मम्मी जी वो पंडित जी बस 10 मिनट में आ रहे हैं, चलिए ना। हाँ वो ना गंदी नजर वाला पार्ट भी पढ़वा लेना। चलो चल मम्मी, ये एडमिट करे ना करे ये प्लेट हमारे, हम लेकर जाएंगे यहाँ से। त्योहार के दिन चोरी करने से अगले जन्म में बेरोजगार पैदा होते हैं। अपनी चीज वापस लेना चोरी कैसे हुई मम्मी जी? अब क्यों कैसे का हिसाब हम नहीं रखते हैं, हमारे मुंह में जो आता है वो हम बोल देते हैं। चल नाक से सिंदूर लगाया जाता है ताकि पति की लंबी उम्र हो। हे भगवान सत्यानाश, इतना क्या ओवर रिएक्ट कर रही हो? ऐसा तो नहीं सोच रही हो ना कि हमने जानबूझ के किया?
हमने कब कहा ऐसा? हमने कब कहा कि तुमने कहा? हमने कहा कि तुमने सोचा। हमारी बहू सैली की पहली तीज की साड़ी थी, हमने गिफ्ट की थी। आप इसको ऐसे? वो एक्चुअली मम्मी जी ने ये साड़ी लक्ष्मीपति से ली थी ना, इसलिए अटैच्ड है ज्यादा। अरे भाई हम कह रहे हैं ओ ददिया, हाँ हमने जानबूझ के किया, तुम देखी हो ना, जानबूझ के किया, बोलो बोलो। अगर आप कह रही है कि आपने जानबूझ के नहीं किया तो नहीं किया होगा। नहीं किया ना? नहीं किया ना जानबूझ के? नहीं किया ना? नहीं किया ना? किया क्या? नहीं किया ना? हाँ ये रीमा हमारी गालियां खा के व्रत खोलना चाहती है क्या? खुद तो लोकल टाइप की साड़ी पहन रखी है, हमारी बहू की इतनी सुंदर साड़ी खराब कर दी। बाहर माहौल बोटॉक्स वाले माथों से ना ज्यादा टाइट हो चुका है मम्मी जी। चलो निकलते हैं। निकलेंगे बहू, पर खाली हाथ नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद आपको मेहंदी भी लगवानी है? हम प्लेट की बात कर रहे हैं। जब तीज का उल्टा होता ही जीत है तो हम हार के क्यों जाए? यो मम्मी जी क्या बात है, क्या दे दो। मम्मी इसको फिस्ट बम बोलते हैं, एक दूसरे की मुट्ठी पे मुट्ठी मारने को फिस्ट बम बोलते हैं। ओके ट्राई नाउ, कम ऑन, 1 2 and 3 yeah, फिस्ट बम। चलो मम्मी जी अच्छे से खा लिया, पेट भर गया? हाँ हाँ बहू प्लेट भर के खा लिया। चलो हाँ चलो चलो बाय, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस, बाय। अरे आंटी जी रुकिए तो, आप अपना प्रसाद लेना भूल गई। ये जा बेटा, सुंदर लोगों से ना स्टुपिड चीजें हो ही जाती हैं। तो काली प्लेट कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। चलो हैप्पी तीज। शकुंतला जी काली वाली प्लेट नहीं दिखाई दे रही है जिसमें आप नाश्ता कर रही थी। कहाँ? सोफे के नीचे। हाँ लीजिए। अरे वाह बहुत साफ है ये तो। चाट ली हमने। चाट ली? माफ करना बहू, हम तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं कर पाए। लेकिन मम्मी जी आप ही ने तो कहा ना कि तीज का उल्टा जीत है। तो हम हार कैसे सकते हैं? अरे ये तो उनका प्लेट है। आई नो हमारा डिनर सेट तो पूरा नहीं कर पाएगा लेकिन उनका जरूर खराब कर देगा। करेक्ट। यो बहू। यो मम्मी जी। मुट्ठी मुट्ठी। इस प्लेट के साथ आज हम फ्रिस्बी खेलेंगे। चलो कम ऑन लेट्स गो। Hi guys, I hope कि आपको वेरी पारिवारिक का ये तीज स्पेशल वीडियो पसंद आया होगा। कोमल तुझे कैसा लगा? कोमल कहाँ खोई है? यार तीज पर मम्मी को गिफ्ट क्या दूँ समझ में नहीं आ रहा। क्या देने की सोच रही है? किचन वेयर, लेकिन वो तो उनके पास ऑलरेडी है। ज्वेलरी के मेरे पास पैसे नहीं है और बुक्स वो मुझे ही पढ़ा देंगे। ये सब बाद में सोचते हैं, पहले CTA कम्प्लीट कर लेते हैं। राइट। Hey guys, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड चेक आउट लक्ष्मीपति साड़ीज, इनके ट्रेडिशनल लुक्स और बेहतरीन क्वालिटी और खूबसूरत डिजाइन जो हर दिल को भाए माँ को भी। सो गाइज मैं तो जा रही हूँ एक और लक्ष्मीपति साड़ी खरीदने, और आप लोग प्लीज देखते रहिए द वायरल फीवर।